राम दोस्तों, आज एक इमेज जिसकी अनइवन स्किन है उसको हम स्मूथ करेंगे, और स्मूथ कुछ इस तरह से करेंगे कि इसके जो एजेस हैं वो भी ब्लर ना हो और इसके साथ स्किन भी स्मूथ हो जाए। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसकी कंट्रोल जे 2 times प्रेस करके यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर्स बनानी है, 2 duplicate layers। ऊपर वाली लेयर का ब्लेंड मोड आपने यहाँ पे विविड लाइट करना है और इसको आपने कंट्रोल आई इन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आप फिल्टर में जाएंगे और ब्लर और गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर में जब आप जाएंगे तो गॉसियन ब्लर की डी जो यहाँ पे रेडियस है वो आप 20 रखेंगे और इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। इसके बाद इसके साथ जो नीचे वाली लेयर है इसको सेलेक्ट करके, इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई यहाँ पे मर्ज कर देंगे। हम इमेज में गए एडजस्टमेंट और ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन में आपने सिर्फ सैचुरेशन को -100 यहाँ पे इसकी अमाउंट -100 करनी है और इसको यहाँ पे ओके कर देना। अब इस लेयर को दोबारा से आपने कंट्रोल आई इन्वर्ट कर देना है। अब दोबारा से आप फिल्टर में जाएंगे, ब्लर और गॉसियन ब्लर में। गॉसियन ब्लर में इस मरतबा आपने अमाउंट 3.5 pixels ये रखनी है और इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। और इसका ब्लेंड मोड हम यहाँ पे चेंज करके ओवरले यहाँ पे ये ओवरले कर देंगे। इसके ऊपर हम एक मास्क बनाएंगे और इस मास्क को कंट्रोल आई प्रेस करके इन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे ब्रश टूल जो है ये ब्रश ये लेना है, मोड इसका नॉर्मल, ओपेसिटी इसकी 100 और लो इसका 100 हो। अब ब्रश को आप अकॉर्डिंगली इसका साइज अपना एडजस्ट कर लें और इसको पेंट करना शुरू करें। मैं वीडियो को ज़रा यहाँ पे स्पीड अप करता हूँ। ये यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपने जो एजेस, ये नोज़ के एजेस हैं या लिप्स के जो एजेस हैं, इनको पेंट नहीं, ये चिन का, फेस का जो एज है, जितने भी एजेस हों इनको पेंट नहीं करना। यहाँ पे अब आपने एक बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करके एक डुप्लीकेट लेयर बनानी है और ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके, दोनों लेयर्स को एक्टिव करके कंट्रोल ई मर्ज कर देना है। अब कंट्रोल जे 2 times प्रेस करके इनकी 2 duplicate layers बनाने के और ऊपर वाली लेयर्स को कंट्रोल आई यहाँ पे इन्वर्ट कर देना, और इसका जो ब्लेंड मोड है वो हम यहाँ पे विविड लाइट करें। और फिल्टर में के ब्लर और गॉसियन ब्लर, इस मरतबा हम गॉसियन ब्लर इसका 8.5 रेडियस इसका पे 8.5 pixels रखेंगे और इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। अब इस लेयर को नीचे वाली लेयर के साथ सेलेक्ट करें, दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करके इसको मर्ज कर दें। इसके बाद आपने वही काम करना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट में गए और यहाँ पे यू एंड सैचुरेशन, ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करके दोबारा से सैचुरेशन की वैल्यू आपने -100 यहाँ पे कर दे। -100 करने के बाद आपने इसको यहाँ पे ओके कर देना और अब इसको आपने कंट्रोल आई इन्वर्ट कर देना है। दोबारा से फिल्टर में गए और ब्लर और यहाँ पे गॉसियन ब्लर,
इस मरतबा हम गास्कियन ब्लर जो है वो 3.5 पिक्सल्स रेडियस यहाँ पे बोंगे और इसको यहाँ पे ओके कर देंगे और इसका ब्लेंड मोड हम यहाँ पे ओवरले करेंगे और इसके ऊपर एक मास्क यहाँ पे बनाएंगे और इस मास्क को सिलेक्ट करके कंट्रोल आई इन्वर्ट कर देंगे। अब आपने वही ब्रश सेटिंग यहाँ पे और इसकी ओपेसिटी इस मरतबा आपने 60% यहाँ पे ये ले लो, बाकी फ्लो इसका 100 ही हो, मोड इसका नॉर्मल स्लोथिंग 10%। अब आप एजेस को पेंट करना शुरू कर, जितने भी एजेस आपने छोड़े थे उनको वहाँ पे पेंट करना शुरू करें तो आपकी इमेज की लिप्स पे भी आप यहाँ पे याद रहे कि आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट सेट हो। तो अब आप बेशक एजेस पे यहाँ पे एजेस पे पेंट करना शुरू करें और इसके बाद आप अपने इमेज की स्किन को देखेंगे कि इसका टेक्सचर भी यहाँ पे सेव है और इसकी स्किन भी स्मूथ हो चुकी है। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी इनका एक ग्रुप बना लें और ये इमेज आपका बिफोर एक अनइवन स्किन यहाँ पे फोरहेड पे दिखे और ये आफ्टर आप आईज़ पे देखो कि आईज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका टेक्सचर आईज़ के ऊपर यहाँ पे इस एरिया का टेक्सचर प्रोटेक्ट करने के लिए हमने दोबारा से जो रिपीट किया था उसमें हम वो गॉसियन ब्लर की वैल्यूज़ जो है उनको रिड्यूस किया था। तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आता है कि कहीं पे कोई जगह रह गई है तो आप उसको अच्छी तरीके से पेंट करके उस कस अपने मॉडल की या अपने इमेज की स्किन को स्मूथ कर सकते हैं। तो ये आपका इमेज बिफोर एक अनइवन स्किन के साथ और ये इमेज आफ्टर। मुझे उम्मीद है कि स्किन स्मूथिंग के हवाले से आपको ये टेक्निक पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।